इजी और स्मॉल साइज एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग प्रमोशन एंड सेल प्रमोशन, इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों का बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले है मार्केटिंग प्रमोशन कॉन्सेप्ट। से पहले डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं जल्दी से। इन मार्केटिंग प्रमोशन रेफर्स टू एनी टाइप ऑफ आर मार्केटिंग कम्युनिकेशन यूज टू इन्फॉर्म और परसुएट टारगेट ऑडियंस ऑफ रिलेटिव ऑफ द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट सर्विस ब्रांड और अ इशू। मार्केटिंग प्रमोशन जो है एक मार्केटिंग, किसी भी टाइप ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन को जो है बताती है कि किसी भी टाइप ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन को ज़रूरत है एक इन्फॉर्मेशन की, एक अप्रूवल की, एक जो अपने टारगेट कस्टमर हैं उनकी उनकी जो वैल्यू है, उनके कस्टमर वैल्यू जो होती है, उनके माइंड की जो वैल्यू है उसको गेन करने की, उनके माइंड में अपनी एक सुपीरियर वैल्यू क्रिएट करने के लिए कैसे वो क्रिएट करते हैं, कैसे मार्केटिंग प्रमोशन करते हैं थ्रू दी रिलेटिव मेरिट। मतलब अपनी प्रोडक्ट के मेरिट्स बताकर, उसकी खसूसियात बताकर, जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी खसूसियात बताकर, जो उनका ब्रांड है उसकी एक पोर्टफोलियो, उसकी एक इमेज बताकर, उसकी क्वालिटी बताकर, उसकी मतलब उसको रिलेट कर कर रिलेट कैसे करते हैं थ्रू दी एडवर्टाइजमेंट, थ्रू दी मल्टीमीडिया, थ्रू दी सोशल मीडिया, थ्रू दी मैगजीन, न्यूज़पेपर, रेडियो, थ्रू दी मोबाइल, टेलीफोन, फीडबैक। तो किसी भी तरीके से जो वो मार्केटिंग, जो जिस तरीके से भी आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को, ब्रांड को रिलेट करते हैं अपने टारगेट ऑडियंस को और उनकी इंफॉर्मेशन गेन करके, उनको रिलेट करके, उनको उनके माइंड की एक वैल्यू को, उनकी जो एक कस्टमर वैल्यू होती है, जो उनकी एक कस्टमर माइंड वैल्यू होती है ना, सुपीरियर वैल्यू, उसको गेन कर लेते हैं। उसको गेन करने से फिर उन एक कस्टमर के माइंड में उनकी प्रोडक्ट की वैल्यू बन जाएगी। तो इसको हम कहते हैं मार्केटिंग प्रमोशन। मतलब मार्केट के जो टूल्स हैं मार्केटिंग के, उनको इस्तेमाल कर उनकी जो स्ट्रेटजीज हैं उनको फॉलो कर अपने टारगेट ऑडियंस को, उनके इंफॉर्मेशन गेन कर उनको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर उनको अपनी प्रोडक्ट की खसूसियात बताकर, जो आप सर्विस, जो आपका ब्रांड है उसके बारे में आगाही कर उनको रिलेट कर थ्रू दी इमोशनली रिलेट कर आपने ऐड देखे उन्हें टी वी में, इमोशनल ऐड होते हैं, उनको रिलेट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रमोशन हो जाती है, उनकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग की प्रमोशन हो जाती है, उनकी सेल्स बढ़ जाती है। तो इसी तरह है आगे सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द प्रमोशनल मिक्स। सेल प्रमोशन यूज बोथ मीडिया एंड नॉन मीडिया मार्केटिंग कम्युनिकेशन फॉर अ प्री डिटरमाइंड लिमिटेड टाइम टू इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड। सेल्स प्रमोशन मतलब आपकी जो सेल्स है उसकी प्रमोशन हो जाना। प्रमोशन मतलब बढ़ जाना, आगे आ जाना। मतलब जो आपकी पहले सेल थी वो कितनी हो रही थी, मतलब 100 प्रोडक्ट बिक रही थी, अब 1000 बिकने लग पड़ी है। लिमिटेड टाइम में पर्टिकुलर एरिया में कंज्यूमर की डिमांड का बढ़ जाना, सेल्स का बढ़ जाना, इसको हम कहते हैं सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन जो है थ्रू दी मल्टीमीडिया भी होती है, थ्रू दी नॉन मल्टीमीडिया मार्केटिंग कम्युनिकेशन के जरिए से भी होती है। मल्टीमीडिया मैंने जैसे आपको बताया, थ्रू दी टीवी, थ्रू दी एड, जैसे टीवी पे ऐड चल रहे हैं, थ्रू दी एडवर्टाइजमेंट, थ्रू दी टेक्नोलॉजीज, डिजिटल मीडिया के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग भी होती है, लाइक इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट, वेबसाइट के जरिए से, तो ये सारी डिजिटल आ जाती है। नॉन मीडिया मार्केटिंग मतलब एजेंट के थ्रू, माउथ ऑफ वर्ड मार्केटिंग होता है कि मतलब आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपने कस्टमर के माइंड में वैल्यू क्रिएट कर दी है, जिसके वजह से एक कस्टमर ने आपकी चीज़ खरीदी है, वो जो आके दूसरे कस्टमर को बता रहा है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये है, ये इसमें ये है, तो इस वजह से भी ये नॉन मीडिया मार्केटिंग कम्युनिकेशन होती है। तो जैसे आपने आईफोन का देखा होना है, आईफोन मार्केट में आता है तो 2 मिनट में उसके आईफोन बिक जाते हैं और डिमांड बहुत ज़्यादा होती है लिमिटेड टाइम में, क्योंकि वो क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपको इनका बेसिक लॉजिक पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।